सो आई गाइस देखो, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, मैंने वीडियो भी बना दी थी कि भाई गन्ना फेस्टिवल की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है कि भाई हमारा जो इवेंट है टेम्पररी क्लोज कर दिया गया है। एंड वो वीडियो जल्दी जल्दी में बनाई थी तो मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया था। अब आप लोग के बहुत सारे डाउट्स हैं कि भाई हमारे जो वॉल्ट से आइटम गए हैं क्या हमें रिटर्न देखने को मिलेंगे, एंड रिटर्न देखने को मिलेंगे तो किस तरीके से दिए जाएंगे, इवेंट आपको कब तक रिटर्न देखने को मिलेगा, या और भी काफी सारे डाउट्स हैं आप लोग के मन में जिनके आइटम चले गए वॉल्ट सेक्शन से बहुत ज्यादा अच्छे से। किसी का हिप हॉप गया है, किसी का एंजेलिक पैंट गई है, किसी का क्या गई है, किसी क्या गई है, तो वो भी भाई सोच रहे कि हमारे वॉल्ट के आइटम वापस से कब रिटर्न आएंगे और किस तरीके से आने वाले। एंड आप में से दूसरे प्लेयर्स हैं जिन्होंने भाई बेकार आइटम मेल्ट किए थे एंड यार अच्छे आइटम निकाले थे इवेंट से, तो वो चाहते हैं गाइस इवेंट का कोई भी आइटम नहीं जाए, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये सीन क्या है, आप लोग का इवेंट टेंपरेरी क्लोज क्यों किया गया, पूरा खत्म क्यों नहीं किया गया, आप लोग को रिटर्न में आइटम दिए जाएंगे नहीं दिए जाएंगे, क्या आप लोग इसे वापस आइटम ले लिए जाएंगे, सारा कुछ मैं आप लोग को डिटेल्स में बताने वाला हूं। और इस इवेंट से रिलेटेड कुछ और नई अपडेट्स भी मेरे हाथ लगी है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पर उससे पहले गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर पहली बार आ रहे तो भी चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना कि जैसे मुझे और कुछ इससे रिलेटेड पता लगेगा तो मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में जरूर से बता दूंगा। अभी गाइस बात करें आप लोग के इस इवेंट के बारे में, तो देखो अगर आप लोग फिलहाल में इस गेम को खोल के देखते हो तो यहां पे आप लोग को इवेंट का बैनर वगैरह सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन गाइस अगर आप लोग इवेंट में जाते हो तो यहां पे आप लोग को साफ साफ लिखा हुआ देखने को मिल जाता है द इवेंट इज टेंपरेरी क्लोज, मतलब यार कुछ टाइम के लिए इस इवेंट को बंद कर दिया गया। अब क्यों किया गया वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन साथ ही गाइस यहां पे अगर आप लोग न्यूज सेक्शन में जाते हो तो यहां पे गन्ना फ्री फायर की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुके हैं गेम के अंदर भी, जो आप लोग मल्टी वर्ल्ड का इवेंट है टेम्पररी टाइम के लिए बंद किया गया, मतलब कुछ टाइम के लिए बंद किया गया लेकिन वापस से चालू हो जाएगा। अब देखो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं ये टेम्पररी क्लोज क्यों हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा जब से ये इवेंट आया तो आप लोग की कभी इवेंट ओपन हो रहा होगा, कभी नहीं हो रहा होगा, कभी सर्वर बिजी आ रहा था, मतलब बहुत सारे इश्यूज आप लोगों को फेस करने को मिल रहे थे इस इवेंट के अंदर। और दूसरी बात का ये जो इवेंट है लगभग 3 से 4 सर्वर पर एक साथ डाला गया था, सिंगापुर सर्वर पर, बांग्लादेश सर्वर पर एंड इंडियन सर्वर पर एंड इंडोनेशिया सर्वर पर भी गाइस ये इवेंट देखने को मिला था। तो देखो अभी फिलहाल में मैंने इंडोनेशिया सर्वर का तो चेक नहीं किया, लेकिन मैंने तीनों सर्वर चेक के लिए सिंगापुर, बांग्लादेश एंड इंडिया सर्वर, तीनों सर्वर पर ये इवेंट टेम्पररी टाइम के लिए क्लोज कर दिया गया, मतलब तीनों सर्वर के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है कि भाई तीनों ही सर्वर पर ये टेम्पररी टाइम के लिए क्लोज रहेगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला बांग्लादेश सर्वर एंड इंडियन सर्वर कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट रहते हैं, सिंगापुर का तो मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा, लेकिन फिलहाल में तीनों सर्वर पर ये वाला इवेंट क्लोज कर दिया गया। तो इवेंट को बंद करने का एक तो ये रीजन हो सकता है कि भाई आप लोग को सर्वर इशू फेस करने को मिल रहा था, जिसकी वजह से ये सर्वर या तो क्रैश हो गया इवेंट का, या कोई और रीजन रहा है जिसकी वजह से इस इवेंट को टेम्पररी टाइम के लिए बंद कर दिया गया, वाले इस पर काम कर रहे हैं एंड बहुत ही जल्दी ये इवेंट की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और आप लोग के इवेंट फिर से ओपन हो जाएगा। और दूसरी बात गाइस जो गन्ना फ्री फायर की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है आप लोग को मैं यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली भाई ये जरूर से बोला गया है कि भाई इवेंट को टेम्पररी टाइम के लिए हम लोग क्लोज कर रहे हैं एंड बहुत ही जल्दी इवेंट को वापस से गेम में अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे आप लोगों को कहीं पे भी क्लियरली ये नहीं कहा गया कि भाई आप लोग के वॉल्ट सेक्शन से जो आइटम आप लोगों ने मेल्ट किए है वो आप लोग को वापस से देने वाले हैं। पर हाँ ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप लोग को वॉल्ट के आइटम वापस रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे, हो सकता है आप लोग को देखने को मिल भी जाए, लेकिन गाइस 50% चांसेस इस बात के भी है कि आप लोग को वॉल्ट के आइटम वापस रिटर्न देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं आप लोग यहाँ पे एक और पोस्ट दिखाना चाहूंगा जो गन्ना फ्री फायर ने इवेंट के आने के टाइम की थी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड गाइस अगर आप लोग इसके फोर्थ सेक्शन में देखते हो तो वार्निंग में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आइटम एक्सचेंज फॉर टोकन्स आर परमानेंटली रिमूव्ड फ्रॉम योर वॉल्ट, मतलब गाइस आप लोग के वॉल्ट से जो भी आइटम एक बार आप लोगों ने मेल्ट कर दिए वो बिल्कुल भी आप लोगों को कभी भी रिटर्न देखने को नहीं मिल सकते। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो सर्वर क्रैश हुआ है, जो भी हुआ है गन्ना वालों ने इस इवेंट को टेम्पररी टाइम के लिए बंद कर दिया है एंड आप लोग को भाई बहुत ज्यादा इशू फेस करने को मिला, ये चीज गन्ना वालों को अच्छे से पता लग गई है क्योंकि भाई आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत गालियां दिया मेरे को पता है। एंड गाइस जो भी यूट्यूबर्स पार्टनर प्रोग्राम में थे उन्होंने भी मोड्स को बताया है, तो यार इससे पता चलता है कि गन्ना वालों को अच्छे से पता है कि भाई हमारे गेम में क्या चल रहा है। कोई एक दो प्लेयर नहीं है जिनके साथ ये हुआ हो, मतलब यार इतने सारे प्लेयर्स है जिनमें से लगभग 30-40% बंदों ने यह गलती की है कि भाई वॉल्ट के अच्छे अच्छे आइटम आप लोगों ने मेल्ट कर दिए, तो ये चीज गन्ना वालों को अच्छे से पता है। एंड गाइस गन्ना वाले अगर हमारे सारे आइटम रिटर्न में नहीं देते तो भाई सारे बंदे गेम छोड़ने वाले हैं, ऐसे काफी सारे बंदों के कमेंट्स भी आ रहे थे मेरे पास, मतलब यार इस तरीके का गन्ना वालों ने इवेंट बनाया, हो सकता है भाई जानबूझ के डिजाइन किया हो या भाई आप लोगों के साथ स्कैम करने के लिए डिजाइन किया हो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन गाइस गन्ना वालों ने ये इवेंट बहुत ही बेकार बनाया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आप सब लोगों को फेस करने को मिल रही है। तो इन शॉर्ट में गाइस मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा, जब तक हमारे इंडिया सर्वर वापस से इवेंट स्टार्ट नहीं हो जाता, जब तक भाई ये टेंपरेरी क्लोज है तब तक आप लोग वेट कर लीजिए, हो सकता है गाइस आप लोगों को जैसे ये इवेंट रिटर्न में देखने को मिले तो आप लोग के वॉल्ट सेक्शन में सारे आइटम रिटर्न में आ जाए और आप लोग इस इवेंट में फिर से पार्टिसिपेट कर पाओ। लेकिन गाइस इस बार मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देता हूं, अगर आप लोग के वॉल्ट सेक्शन में वापस से रिटर्न में आइटम आ जाते हैं तो भाई ध्यान से आप लोग को आइटम को चूज करना है, फिर से गाइस आप लोग मेल्ट कर दोगे तो क्या पता गाइस आप लोग को रिटर्न देखने को नहीं मिले, बट हो सकता है कि भाई आप लोग को अभी फिलहाल में इवेंट जब रिटर्न में आए तो आप लोग के वॉल्ट सेक्शन में वापस से आइटम रिटर्न में आ जाए, 50-50% यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं, जो भी बात थी मैंने आप लोग को बता दी। झूठ मूठ में गाइस मैं आप लोग को कंफर्म नहीं करूंगा कि भाई आ ही जाएंगे, हो सकता है ना भी आए और हो सकता है आ भी जाए, जो भी बात थी आप लोग के सामने है, मैंने खुल के आप लोगों को बता दी। आज के लिए इतना ही, होप करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई अपडेट के
साथ अभी मुझे नहीं लगता कि भाई इसके ऊपर और वीडियो लाने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Fearless.